हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, राउंडिंग ए बैंक्ड कर्व्ड रोड बाय ए कार। तो देखो, जो हमारे हाईवेज होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, कहीं ना कहीं वे कर्व टाइप होते ही हैं, ठीक है। और हाईवेज पे जो कार्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, ठीक है। तो जब मेरा हाईवे कर्व होना शुरू होगा तो मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा हाईवे कर्व होना शुरू होगा ना, तो कार की स्पीड लिमिट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब मेरा हाईवे कर्व होना शुरू होगा तो उस हाईवे को मैं बैंक्ड कर दूंगा, जिससे वो बैंक्ड कर्व्ड रोड हो जाएगा। और उससे क्या होगा, कार की स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी। और जब मेरा हाईवे कर्व होना शुरू हुआ और मैंने उसको बैंक्ड कर दिया, ठीक है, मतलब बैंक्ड कर्व्ड रोड बना दिया, तो कार की स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी और कार स्लिप नहीं करेगी और कार टोपल भी नहीं करेगी, तो मतलब आसानी से टर्न हो जाएगी, ठीक है, उस बैंक्ड कर्व्ड रोड पे। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स हम किस लिए करते हैं, कार की स्पीड लिमिट को बढ़ाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राउंडिंग ए बैंक्ड कर्व्ड रोड बाय कार, ठीक है। मान लो ये मेरा बैंक्ड कर्व्ड रोड है, ठीक है, और इंक्लिनेशन कितनी है, थीटा। बैंक्ड कर्व्ड रोड है, रफ बैंक्ड कर्व्ड रोड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो ये कार है, ये कार के पहिए, ठीक है, कार का मास वो कितना है m, और कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कार्स टायर एंड बैंक्ड कर्व्ड रोड वो कितना है, म्यू, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और कार के टायर्स के बीच की स्पेसिंग ये कितनी है, 2a, ठीक है। और मान लो कार का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे है, मतलब ये कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, ठीक है। तो जी क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये मान लो बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो ये जो बी जी है ये कितना गिवन है, एच, मतलब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार फ्रॉम बैंक्ड कर्व्ड रोड वो कितनी है, एच गिवन है ये, ठीक है। ये क्या गिवन है, एच, ठीक है। और मान लो ये कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इस बैंक्ड कर्व्ड रोड पे आर रेडियस का, ठीक है, और वी कॉन्स्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो देखो, एक एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, सही बात है, और एक ऐसे एन वन नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस टायर पे, और इस टायर पे एन टू नॉर्मल रिएक्शन आएगा, बिल्कुल सही है। और मान लो ऐसे एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो, ये एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एन वन नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस टायर, और ये एन टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस टायर, यही तो आएंगे फोर्सेज ऑन दिस कार।
तो अब देखो, मान लो ये कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है आर रेडियस का, आर रेडियस का ऑन दिस बैंक्ड कर्व्ड रोड वी कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो अगर मैं चीटी बनकर बैठ जाऊं इस कार पे, तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी कार जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी। देखो चीटी कार के ऊपर चिपक कर बैठी हुई है, तो चीटी को कार तो रेस्ट पे नजर आएगी, बिल्कुल जनरल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो देखो चीटी कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। जो चीटी नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस कार का एफबीडी क्या आएगा, एक ऐसे स्यूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर स्यूडो फोर्स, ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, सही बात है। तो इस एफ स्टैटिक फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, ठीक है। और देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस एन वन नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा, एन वन कोस थीटा, ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एन वन साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही N2 नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ठीक है, N2 नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। तो अब देखो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो N2 नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो कंपोनेंट ये आ गया N2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये आ गया N2 sin थीटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, सीधी सी बात है। और देखो ये 2a है, तो ये a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, तो ये जो ab है ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, ठीक है। और इसको मैं c का नाम दे रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं d का नाम दे रहा हूं, ठीक है। और देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी, एक तो ए सी बी और दूसरी राइट एंगल जी डी सी, जी डी सी और ए बी सी, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो देखो ए सी क्या आएगा, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल से ए सी किसके बराबर आएगा, ए सेक थीटा के बराबर, ठीक है, इनका यूज होगा इसलिए मैं इनको फाइंड आउट कर रहा हूं। और BC किसके बराबर आएगा, A tan थीटा के बराबर, ठीक है। और देखो BG ये कितना है, H, और BC कितना आ गया, A tan थीटा। तो ये जो GC है ये कितना आ जाएगा, H माइनस A tan थीटा, ठीक है, जी सी एच माइनस ए टेन थीटा, बिल्कुल सही है।
तो देखो किस राइट एंगल ट्रायंगल को लो, जी डी सी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ध्यान रहे सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लो, जी डी सी, ये हो जाएगा ना राइट एंगल, और ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ये हो गया, और जी डी सी राइट एंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ये हो गया। तो अब जी डी सी राइट एंगल ट्रायंगल लो और जी सी कितना आ गया, एच माइनस ए टेन थीटा, तो ये सी डी किसके बराबर आ जाएगा, एच माइनस ए टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, क्योंकि देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो जी डी सी राइट एंगल ट्रायंगल लो, इसमें जी सी कितना निकल के आया, एच माइनस ए टेन थीटा, ये तो हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, और ये एंगल थीटा, और यहां पे राइट एंगल है, तो सी डी कितना आ जाएगा, एच माइनस ए टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखो ये जी डी ये कितना आएगा, जी डी इसी राइट एंगल ट्रायंगल से, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल से, जी डी सी राइट एंगल ट्रायंगल से, यहां पे राइट एंगल है, तो जी डी क्या हो जाएगा, जी सी कोस थीटा, मतलब एच माइनस ए टेन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो जी डी क्या हो जाएगा, एच कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा। और अब देखो ए डी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस सी डी, ए सी कितना, ए सेक थीटा प्लस सी डी, सी डी कितना हो गया, एच माइनस ए टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो जी डी निकालना जरूरी था और ए डी निकालना भी जरूरी था, आगे इनका यूज होगा, ठीक है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी, ये कार जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये कार इस बैंक्ड कर्व्ड रोड पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी वी कॉन्स्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी, तो कार रेस्ट पे होगी ना जनरल इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि चीटी कार के ऊपर चिपक कर ही तो बैठी हुई है, तो चीटी को तो कार रेस्ट पे नजर आएगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे नजर आएगी। तो सबसे पहले ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चीटी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो इस कार पे। तो देखो एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये किसके बराबर आएगा, एन वन कोस थीटा प्लस एन टू कोस थीटा के बराबर आएगा। तो कोस थीटा को कॉमन ले लो, तो एन वन प्लस एन टू कोस थीटा ये किसके बराबर आएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, और देखो एम वी स्केयर बाय आर किसके बराबर आएगा, एन वन साइन थीटा प्लस एन टू साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। तो मतलब यहां पे साइन थीटा कॉमन ले लो, तो मतलब एन वन प्लस एन टू साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर, सेकेंड इक्वेशन ये होगी। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, दो अननोन क्या है, एन वन प्लस एन टू टोटल नॉर्मल रिएक्शन और एफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो, तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या आएगा, एन वन प्लस एन टू टोटल नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी एम इंटू में जी कोस थीटा प्लस वी स्केयर बाय आर साइन थीटा, ठीक है। और एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को सोल्व करके
एम इंटू में वी स्केयर बाय आर कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। ये आई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अब देखो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब m इंटू में वी स्केयर बाय आर कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में टोटल नॉर्मल रिएक्शन एन वन प्लस एन टू, एम इंटू में जी कोस थीटा प्लस वी स्केयर बाय आर साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे ना, आफ्टर सम स्टेप्स क्या आएगा, v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये आएगा, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो कोई मतलब निकलेगा। तो इसका मतलब ये जो डेनोमिनेटर में है वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब टेन थीटा मस्ट बी लेस देन वन बाय म्यू, इसका होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ये बिल्कुल, और जो कि अक्सर होता भी है, ठीक है। तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी नेट टॉर्क ऑन दिस कार अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो, तो इस ए पॉइंट के अबाउट भी जीरो होगा, तो नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो कर दो, ठीक है। तो देखो इस एफ स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट ए जीरो आएगा, एन टू नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अबाउट ए जीरो आएगा, तो किस किस का टॉर्क आएगा, एन वन नॉर्मल रिएक्शन का, एम जी का और सुडो फोर्स एम वी स्केयर बाय आर का, इन तीनों का टॉर्क आएगा, ठीक है। तो अब देखो n1 नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा अबाउट ए पॉइंट, एम वी स्केयर आर सुडो फोर्स का टॉर्क भी अबाउट ए क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, तो नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, तभी तो नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो होगा, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में केवल एम जी का टॉर्क आएगा अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, और वो कितना होगा एम जी इंटू में ए डी, और ए डी कितना, इतना ए सेक थीटा प्लस एच माइनस ए टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में किसका आएगा, एन वन नॉर्मल रिएक्शन का और सुडो फोर्स का, एन वन नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट क्लॉकवाइज सेंस में कितना आएगा, एन वन इंटू में टू ए, ठीक है, प्लस सुडो फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इन क्लॉकवाइज सेंस, वो क्या आएगा, सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड एम वी स्केयर बाय आर इंटू में जी डी, ठीक है, और जी डी कितना आया, एच कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से आप n1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आफ्टर सम स्टेप्स, यहां से n1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी m बाय में 2a इंटू में g इंटू में a cos थीटा प्लस
एच साइन थीटा, ठीक है, माइनस वी स्केयर बाय आर इंटू में एच कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। तो देखो यहां पे एन वन नॉर्मल रिएक्शन के नेगेटिव होने के चांस हैं, मतलब ये जो इनर व्हील है ना, इनर पहिया, इसके उठने के चांस हैं फ्रॉम ए रफ बैंक्ड कर्व्ड रोड, और ये पहिया नहीं उठना चाहिए, इनर जो व्हील है वो नहीं उठना चाहिए। तो इसका मतलब एन वन नॉर्मल रिएक्शन जीरो के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि यहां पे कॉन्टैक्ट लूज ना हो, इनर व्हील ना उठे। तो एन वन नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो जब आप इसको जीरो के बराबर या इससे ज्यादा पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा, वी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट आर जी ए प्लस एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय एच माइनस ए टेन थीटा, ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गई मेरी सेकंड कंडीशन, ये आ गई सेकंड कंडीशन, ठीक है, और ये फर्स्ट कंडीशन। तो अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो जब आप इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाओगे तो v क्या आएगा, v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस कोमा दिस, मिनिमम ऑफ रूट आर जी इंटू में म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा कोमा रूट आर जी ए प्लस एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय एच माइनस ए टेन थीटा, ठीक है। मतलब जो इस कार की वी कॉन्स्टेंट स्पीड है, मान लो ये कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस बैंक्ड कर्व्ड रोड पे सक्सेसफुली वी कॉन्स्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो वो वी कॉन्स्टेंट स्पीड किसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, इन दोनों में जो मिनिमम आएगा ना, इसमें और इसमें, इन दोनों में जो भी मिनिमम आएगा उसके बराबर या उससे कम होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं केवल रिजल्ट्स को लिख लेता हूं, ओनली रिजल्ट्स। और फाइनल रिजल्ट यही आया है ना, वी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रूट आर जी इंटू में म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा कोमा रूट आर जी इंटू में ए प्लस एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय एच माइनस ए टेन थीटा, ठीक है। मतलब मान लो ये कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहती है सक्सेसफुली ऑन दिस बैंक्ड कर्व्ड रोड, ठीक है, तो वो कब होगा, जब वो वी कॉन्स्टेंट स्पीड किसके बराबर या उससे कम होगी, इन दोनों में जो मिनिमम आएगा ना उसके बराबर या उससे कम होगी ना,
तो ही कार सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाएगी। ठीक है, तो यहां से स्पीड लिमिट क्या आ गई, स्पीड लिमिट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रूट आर जी इंटू में म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा कोमा रूट आर जी इंटू में ए प्लस एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय एच माइनस ए टेन थीटा, ये हो जाएगी स्पीड लिमिट। इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना, जो भी होगा मिनिमम, वो स्पीड लिमिट हो जाएगी इस कार की। तो अब एक अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। तो मान लो मेरे पास एक बैंक्ड कर्व्ड रोड है, ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। बैंक्ड कर्व्ड रोड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और मेरे पास एक रफ बैंक्ड कर्व्ड रोड है जिसकी ये इंक्लिनेशन थीटा, ये 20 डिग्री गिवन है, ठीक है, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्स व्हील एंड दैट रफ बैंक्ड कर्व्ड रोड म्यू कितना गिवन है 0.4, और रेडियस ऑफ दिस बैंक्ड कर्व्ड रोड आर वो कितने गिवन है 40 मीटर, ठीक है, और कार्स कार के व्हील्स के बीच की सेपरेशन 2a ये कितने गिवन है 3 मीटर, और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी h फ्रॉम ए बैंक्ड कर्व्ड रोड वो कितने गिवन है 5 मीटर, ठीक है। तो स्पीड लिमिट फाइंड आउट करनी है, स्पीड लिमिट ऑफ कार फाइंड आउट करो। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो पहले, और फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो रूट आर जी, आर कितना 40, जी 10, इंटू में म्यू प्लस 10 थीटा, म्यू 0.4 प्लस 10 20 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 10 20 डिग्री, ये क्या आएगा मीटर पर सेकंड में, ये आएगा 18.91 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर में ये कितना आएगा 68.08 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, रूट आर जी इंटू में ए प्लस एच टेन थीटा, ए कितना हो जाएगा डेढ़ 3/2 प्लस एच 5 टेन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय एच माइनस ए टेन थीटा 5 माइनस 1.5 10 20 डिग्री। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा मीटर पर सेकंड में 17.26 मीटर पर सेकंड। तो केपीएच में कन्वर्ट कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 62.16 केपीएच, ठीक है। तो देखो इसमें से और इसमें से कम कौन है, मिनिमम कौन है, 62.16 केपीएच। तो स्पीड लिमिट कितनी होगी 62.16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आ गई स्पीड लिमिट, ये मेरा आंसर हो गया। तो अब देखो प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल में करवाया था, वहां पे क्या था, बैंक्ड रोड नहीं था, लेवल कर्व्ड रोड था, ठीक है,
और इतना ही रफ था और वही कार थी। जी 10 गिवन था, थीटा 0 गिवन था, मतलब लेवल करंट रोड था। रेडियस 40 मीटर ही गिवन थी, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.4 गिवन था और वही कार थी, मतलब 2A 3 मीटर गिवन था और HA 5 मीटर गिवन था प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल में, ठीक है। मतलब लेवल करंट रोड था, ठीक है, उतना ही रफ बिल्कुल। तो वहां पे जो स्पीड लिमिट आई थी वो आई थी, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल में, वहां पे स्पीड लिमिट आई थी 39.43 किलोमीटर पर आवर। अब इस न्यूमेरिकल में आओ, जब बैंकड कर्व्ड रोड है, मैंने बैंकड कर दिया, ठीक है, मतलब थीटा 20 डिग्री हो गया, तो बैंकड होने के कारण स्पीड लिमिट बढ़ गई। कितनी होगी स्पीड लिमिट? 62.16 किलोमीटर पर आवर। अगर यही रोड बैंकड नहीं होता, लेवल होता, लेवल कर्व्ड रोड होता, बाकी सारी चीजें बिल्कुल यही होती, वही कार होती, वही रोड होता, मतलब कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 और रेडियस भी 40 मीटर और बिल्कुल वही कार, ये दोनों चीजें सेम। अगर लेवल करंट रोड होता तो प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल में आप कर देख सकते हो स्पीड लिमिट आई थी 39.43 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, मैंने इस रोड को बैंक कर दिया, ऐसे उठा दिया, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री विच इज 20 डिग्री। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो स्पीड लिमिट बढ़ गई, 62.16 किलोमीटर पर आवर होगी ना, तो रोड को बैंक करने के कारण स्पीड लिमिट बढ़ जाती है, और जो कि अच्छा ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अगर ये कार 62.16 किलोमीटर पर आवर स्पीड से या इससे कम स्पीड से चलेगी ना इस बैंकड कर्व्ड रोड पे, तो ये कार सक्सेसफुली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी। अगर इस कार की स्पीड 62.16 किलोमीटर पर आवर के बराबर या इससे कम हुई, ठीक है, मतलब इस कार की जो कांस्टेंट स्पीड है वी, अगर वो 62.16 किलोमीटर पर आवर के बराबर या उससे कम हुई, तो ये कार सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाएगी 40 मीटर रेडियस का इस बैंकड कर्व्ड रोड पे, ठीक है। तो इसलिए स्पीड लिमिट यहां पे कितना का आ जाएगा, 62.16 किलोमीटर पर आवर। तो रोड को बैंक करने का फायदा क्या होता है, स्पीड लिमिट बढ़ जाती है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसका जो न्यूमेरिकल था उसमें रोड बैंक नहीं था, रोड ऐसे था, मतलब थीटा 0 डिग्री था, लेवल कर्व्ड रोड था और बाकी सारी चीजें यही थी, म्यू 0.4, आर 40 मीटर, 2A 3 मीटर, एच 5 मीटर, वही कार और वही रोड, लेकिन रोड लेवल था तो स्पीड लिमिट आई थी 39.43 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पे स्पीड लिमिट बढ़ के आई, और स्पीड लिमिट क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने रोड को बैंक कर दिया, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री विच इज 20 डिग्री, तो स्पीड लिमिट बढ़ गई, जो कि अच्छी बात है। तो रोड को बैंक करना अच्छा होता है, ठीक है, इससे कार स्लिप नहीं करती, टोपल भी नहीं करती, स्पीड लिमिट बढ़ जाती है ना, क्योंकि हाईवेज पे तो क्या होता है, कार की स्पीड काफी ज्यादा होती है, और जब वो हाईवेज पे टर्न करती है तो हाईवेज ऐसे बैंक रहते हैं, तो बैंक होने के कारण स्पीड लिमिट बढ़ जाती है, तो कार सक्सेसफुली टर्न कर पाती है उस बैंक्ड रोड पे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।